क्लास एट लेसन थ्री नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क होता है। जैसे हम एक कंप्यूटर से अनेकों कंप्यूटरों को जोड़ देते हैं तो वह हमारा प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेटवर्किंग। नेटवर्क का वर्गीकरण, कंप्यूटर नेटवर्क को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है लैन, दूसरा मेन और तीसरा वैन। सबसे पहले पढ़ेंगे लैन क्या होता है। यह नेटवर्किंग एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, जैसे किसी कार्यालय, विद्यालय अथवा किसी एक ही इमारत में स्थित कंप्यूटरों पर कार्य करना। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम क्या होता है? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। और यह नेटवर्किंग एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत होती है। जैसे हम एक स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे आकर्ष कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो यह हमारी प्रक्रिया लैन कहलाती है और इसकी लागत भी कम होती है। दूसरा मेन, मेन का पूरा नाम मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। वह नेटवर्क जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से महानगरों की अनेक इमारतों को आपस में जोड़ता है, वह मेन नेटवर्क कहलाता है। इसका आकार तथा कंप्यूटरों की संख्या लैन से अधिक होती है, यानी मेन नेटवर्किंग के अंतर्गत एक शहर जैसे अलीगढ़ शहर के अंतर्गत जो भी सारे कंप्यूटर हैं उन सबको जोड़ने या अलीगढ़ शहर में हम 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़े, तो यह प्रक्रिया हमारी लैन के अंतर्गत आती है और इसमें कंप्यूटरों की संख्या लैन से अधिक होती है और इसकी लागत भी लैन से अधिक आती है। तीसरा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क विस्तृत क्षेत्र में स्थापित होता है, यानी एक बड़े क्षेत्र में पूरे विश्व में। यह एक देश को अन्य देश से जोड़ता है। जो वैन नेटवर्किंग होती है एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। इसमें दो या दो से अधिक लैन को आपस में जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट क्या होता है? एक नेटवर्कों का नेटवर्क। इसके माध्यम से हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर हर प्रकार की सूचना स्टोर रहती है, यानी पढ़ाई से, खेलकूद से या और भी जो भी हमें जानकारी चाहिए।